फ्री फायर में एक जमाना ऐसा भी था जब हम स्कल मास वाले प्लेयर को देखकर डर जाया करते थे और ये सोचते थे कि वो एक प्रो प्लेयर है और हम उसका घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। सो हेलो एंड वेलकम गाइस अपने चैनल चैलेंज गेमर्स पर, जिसमें हम चैलेंज लेते भी है और देते भी है। सो गाइस, आप ये क्या कर रहे हो? आपको किप पे जितना है कि नहीं? तो बस, अगर आप न्यू हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आते हैं मेन टॉपिक पर, फ्री फायर एक्सपोज कैसे क्यूब सब पता चल जाएगा। लास्ट तक बने रहना, वरना आपका फ्री फायर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। शायद इस वीडियो के बाद फ्री फायर हमें वीडियो डिलीट करने भी बोल सकती है। सो सब्सक्राइब करते रहो। सो गाइस, आप वीडियो में आए होंगे कि यार सब यूट्यूबर एक्सपोज वीडियो तो देखे है, फ्री फायर एक्सपोज क्या मामला है? तो जो हमारे ओल्ड प्लेयर्स होंगे उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जब 2 साल पहले फ्री फायर में न्यू थे, तब आपको फ्री फायर खेलने में कितना मज़ा आता था? जब आप और हम नूब भी थे तो भी यार कुछ अलग ही मज़ा था फ्री फायर खेलने में। फ्री फायर की चीज़ें लूटने का, कुछ रेयर चीज़ें हमें मिल जाए तो अपने फ्रेंड्स को दिखा के उनको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। पर यार अभी सब कुछ होके भी, प्रो होके भी अब मज़ा नहीं आता जिसे पहले आता था। अब हमारे पार्टनर किरण की स्टोरी देख लो। मैं तो न्यू हूँ सो मुझे इतना नहीं पता, पर वो जब खेलते थे तब वो नूब थे, तब भी उनको मज़ा आता था। तो उन्होंने उनके एक छोटी सी स्टोरी शेयर की। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम टॉपअप किया था, वो था 20 रुपीज़ का ओनली, उनको तब मिला था वूकोंग कैरेक्टर, जो आपको पता होगा। तो वो इतने खुश हुए थे कि क्या ही बोले, सबको दिखाते रहते थे कि वूकोंग ले लिया ये वो। बट अब की बात यार अलग है, फ्री फायर वाले पैसे कमाने में इतने खो गए हैं कि जो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के प्लेयर्स की खुशी किस में है ये उनको जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस फालतू की चीज़ें गेम में डाल दो और पैसे कमाओ। मतलब जब फ्री फायर को कोई वैल्यू नहीं थी तब वो बंदों को खुश रखते थे, और अब जब वैल्यू फ्री फायर को आ गई है तो उनको ज्यादा घमंड आ गया है। और इस घमंड में हम जैसे यूट्यूबर, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर और ऑल नॉर्मल प्लेयर्स उनकी घमंड की आग में पिसे जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे क्रोनो चाचा ही देख लो, हायाटो, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन फ्री फायर। पहले हायाटो लेने को भी बंदे तरसते थे, जिसको मिल गया वो सातवें आसमान पर होता था। ये हमारे पार्टनर किरण बता रहे थे। और इस बात से और ये बात आपको भी पता होगी अगर आप ओल्ड होंगे, तो हायाटो लेके सब अपने स्किल से खेलते थे और रियल लेजेंड कहलाते थे। उसके बाद आया आलोक, चलो आलोक भी सही लिया। अब आ गए हमारे क्रोनो भाई, सब जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप कितने भी लीजेंट हो, कितने भी वन टैप किंग हो, सामने वाला 1 HP का भी बाकी हो, वो क्रोनो लगा लेता है, उसको ज़रा भी डर नहीं, एकदम से उसको प्रो वाली फीलिंग आती है। आपके पास भी क्रोनो हो तो भी आपको मरना तो होगा ही ना। सो ये फ्री फायर का बिजनेस हो गया है। अब क्रोनो के बाद कुछ अलग लाएंगे जिसका तोड़ खुद क्रोनो भी नहीं है, और इस तरह गेम को बर्बाद कर देंगे। और ये रियल फैक्ट है, सिर्फ आपको हम छोटे यूट्यूबर ही बताएंगे। बड़े यूट्यूबर तो पार्टनर प्रोग्राम में लगे हुए हैं, उनको तो दबा के पैसे मिलते हैं, उनको क्या लेना देना इससे, आपसे और फ्री फायर से? और उनको आपके फीलिंग्स की परवाह तो नहीं है। सो प्लीज़ आप उनसे ये बात तो बिल्कुल भी शेयर मत करना, वो कुछ नहीं करेंगे। आप बस 2 काम करो, ये वीडियो हमारे लिए नहीं अपने खुद के लिए शेयर करो, और इंस्टा में फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल को हैशटैग लगा के कमेंट करो और हैशटैग लगा के बोलो आई नीड ओल्ड फ्री फायर। आपके कोई नहीं सुनेगा तो ये वीडियो सब फ्री फायर ग्रुप में शेयर कर दो, उनको बोलो आगे भेजे। और ये वीडियो हमारे इंडियन फ्री फायर मॉडरेटर के पास भी अगर चला जाए तो आपका वीडियो देखना भी वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे पता है ओल्ड प्लेयर्स ही शेयर करेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आलोक मांगने में ही बिजी रहते हैं। अगर ये वीडियो वायरल हो जाता है गाइस, तो कमेंट ज़रूर करना कि इसका 2nd पार्ट डाले या ना डाले। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।